उत्तर प्रदेश को तमाम योजनाओं और बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 2 करोड़ विद्यार्थियों के दाखिले का लक्ष्य पूरा करने के लिए 27 जून से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है, जिसको देश में शीर्ष पर लाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल में प्रदेश को साक्षरता में भी अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए वो प्रयासरत हैं, जिसके चलते बेसिक स्कूलों पर शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धि को लेकर पानी की तरह पैसा बहाने वाला विभाग अभी तक 4,84,00,000 बच्चों को किताबें तक मुहैया नहीं करा सका है, जबकि शिक्षा सत्र के 4 महीने पूरे हो रहे हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों ने जुलाई तक का पुस्तक वितरण का दावा किया था, लेकिन अभी तक पुस्तक ना मिल पाने पर उनका दावा खोखला ही साबित हो रहा है। वहीं इस मामले में बीएसए सुनील सिंह ने कहा कि जनपद में प्रति स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए करीब 25,00,000 किताबों की आवश्यकता है, जो कि अभी तक 77,300 किताबें ही जनपद को उपलब्ध हो पाई हैं। जहां शासन स्तर पर ये किताबें प्राप्त होने में देरी हो रही है, लेकिन परिषदीय स्कूलों में जल्द ही किताबें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें की अभी आपूर्ति कई जनपदों में नहीं हो पाई है। हमारे जनपद में केवल एक ही पुस्तकों की एक ट्रक आया था, उसका हम सत्यापन कराएँ, जो प्राप्त हुई हैं सत्यापन समिति से सत्यापन करा रहे हैं, फिर उसका विद्यालय में डिस्ट्रीब्यूशन करें। बाकी किताबें जहाँ तक पता चल रहा है कि आने की संभावना है, सत्य अन्य खेप भी हमारे जो पुस्तकों की वो आ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, टीचर्स पहुँच रहे हैं, जो नहीं पहुँच रहे हैं उनकी हम उस दिन का वेतन काट रहे हैं, जो औचक निरीक्षण करा रहे हैं हम प्रत्येक विकास खंड में, और प्रतिदिन सारे खंड शिक्षा अधिकारियों को डीसी को लगा के औचक निरीक्षण कराया जा रहा है, और जो टीचर्स अनुपस्थित मिलते हैं या जहां कमियां मिलती हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। पीलीभीत में भोला कांवड़िया संघ के तत्वाधान में कांवड़ियों की सेवा के लिए व उनके भोजन के लिए पीलीभीत की मंडी में इंतजाम किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में कांवड़िया आकर रुक रहे हैं। यह बात जब प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को मालूम हुई तो वो कांवड़ियों की सेवा करने के लिए पहुंच गए, और उन्होंने इन कांवड़ियों को अपने हाथ से भोजन कराया तथा उनके झूठे दोने पत्तल भी उठाए। मंत्री संजय सिंह गंगवार का कहना था कि यह उनके संस्कार हैं, सेवा भाव ही सबसे बेहतर सेवा है, यह सौभाग्य कुछ लोगों को मिलता है। जो लोग कांवड़ियों की सेवा करते हैं, सरकार की भी हमारी मंशा है कि कांवड़ियों को हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए, इसलिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। इससे बड़ा कोई नहीं है, हम लोग सनातन धर्म है, ये है सनातन धर्म में सेवा, इस सब पर ये है, और ये सावन का पवित्र महीना तो हमारे सनातन धर्म में है, ये बहुत पवित्र महीना है, सभी महीने पवित्र है लेकिन ये बहुत पवित्र महीना है। हमारे शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश सरकार लगातार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। हर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चों को प्रदेश सरकार उनके अभिभावकों के खाते में सीधे 1,200 रुपए देगी, जिससे पढ़ने जा रहे बच्चे बेहतर स्कूली ड्रेस, जूता और किताबें ले सकेंगे। इसी क्रम में आज पीलीभीत जिले में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बरखेड़ा से भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद शामिल हुए। इस योजना के तहत जिले में 1,28,000 से ज्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे। उन्होंने सरकार की मंशा को जाहिर किया और कहा कि सरकार की मंशा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल साफ है, और हमारी सरकार इन बच्चों को लगातार अच्छे भविष्य के लिए काम कर रही है। उसी क्रम में आज सरकार ने यह योजना चालू की है। यूपी के बुलंदशहर में व्यापारी संगठन एसएसपी कार्यालय में जमकर हंगामा करते नजर आए। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार अपने एक व्यापारी साथी के साथ पुलिस की ओर से की गई मारपीट के मामले में उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिकारपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एसएसपी से व्यापारी को न्याय दिलाने की मांग की। और मेरे संग एक लड़के ने बहुत बुरी तरह मारपीट करी है, और अकेला पीछे से वार करा मेरे पर, बहुत ज़्यादा मुझे मारा और बहुत ज़्यादा विकट मारा,
क्यों मारा है, क्या कारण है? पहले कुछ कोई दुश्मनी रही है क्या? नहीं था, घर हमारा तो पारिवारिक संबंध थे, यहाँ सबली बातें थी। पिछले कोई बच्चों बच्चों में लड़ाई हो गई थी, उस घटना को उसने अब जाके 2 साल पहले हुई थी, वो उस बात को अब जाके निकाल रहा है। 26 तारीख को हमारे व्यापारी देवी शरण जी के साथ मारपिटाई करी एक अभियुक्त ने, और उसने इतनी मारपिटाई की कि 6 तो इनके हाथ की हड्डी टूट गई है, कान का पर्दा खत्म है, कान से बहरे हो चुके हैं। उसके बावजूद भी, और 307 में मुकदमा भी दर्ज कर लिया पुलिस ने, जबकि उन्होंने बैठाया 4 दिन तक, अभियुक्त को अपने पास बैठाए रखा, एक नेगोशिएशन किया और कल 151 में उसका चालान भी कर दिया। हमारी योगी सरकार, हम ही परेशान इस सरकार में, व्यापारी के खिलाफ, व्यापारी के लिए योगी सरकार ने, योगी जी ने सीधा सीधा कहा है कि किस व्यापारी पर कोई जुर्म सहा नहीं जाएगा। हमारे तो रक्षक ही हमारे भक्षक बने पड़े। सीओ शिकारपुर ने आश्वासन देने के बाद भी, हमारे साथ ये कहने के बाद भी, किसी तरीके से 307 में इसको जेल भेजूंगा, उसे 151 में चालान करके उसे भेज दिया।